नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS Basic Physics में। आज के इस वीडियो में हम लैब असिस्टेंट फिजिक्स का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। वैसे हम ये थ्योरी का दूसरा पार्ट लेकर चल रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है दृढ़ पिंड गति की। उसमें हमने पहले टॉपिक में बलयुग्म और बलयुग्म आघूर्ण के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम कोणीय संवेग और कोणीय संवेग संरक्षण के बारे में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज आप इस वीडियो में कोणीय संवेग संरक्षण इनके एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। अगला जो वीडियो होगा वो कोणीय संवेग पर आधारित क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, उन क्वेश्चनों को हम सोल्व करवाएंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो टॉपिक है वो है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, इसे हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। कोणीय संवेग, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेखीय संवेग के बारे में। विद्यार्थियों, रेखीय जो संवेग होता है, रेखीय संवेग को हम पी से लिखते हैं, जो कि पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणा के रूप में लिखा जाता है। ये हम जानते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कोणीय संवेग को हम एल से पुट करेंगे और किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जो रेखीय संवेग का आघूर्ण होता है उसी को ही हम कोणीय संवेग कहते हैं। कि कोई कण है और एक निश्चित अक्ष के रेस्पेक्ट वो घूम रहा है, तो उसका जो रेखीय संवेग होता है उसी को ही हम कोणीय संवेग कहते हैं। क्लियर? इसे समझने के लिए हम यहाँ पर एक तंत्र ले लेते हैं। हमारे पास में ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। मैंने यहाँ पर इस मूल बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर हमने यहाँ पर कोई कण ले लिया इस जगह पर, जिसका द्रव्यमान हम स्मॉल एम कंसिडर कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ से जो आर और इसका जो संवेग है, रेखीय संवेग, इनके बीच का जो एंगल है वो हमारे पास में है फाई। तो आर की दिशा में इसका जो संवेग है उसका घटक हो जाएगा पी कोस फाई, तथा उसके लंबवत जो घटक होगा वो पी साइन फाई होगा। क्लियर? आप यहां पर देखेंगे कि जो कण है उसका रेखीय संवेग यदि हमारे पास में पी है, इसका स्थिति सदिश आर है, तो कोणीय संवेग जिसे हम एल से पुट कर रहे हैं, ये उस कण के स्थिति सदिश और रेखीय संवेग के अनुप्रस्थ घटक के रूप में लिखा जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं घूर्णन अक्ष से उसकी लंबवत दूरी। रेखीय संवेग और घूर्णन अक्ष से उसकी सीधी लंबवत दूरी के फॉर्म में भी इसको पुट कर सकते हैं। तो रेखीय संवेग पी और लंबवत दूरी हमारे पास में है डी। डी की वैल्यू हम इसी डायग्राम की सहायता से ज्ञात करेंगे। यहाँ पर जो हमारे को डायग्राम है, ये जो डायग्राम हमें दे रखा है, इस डायग्राम की सहायता से ही हम इस डी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए, यहां से देखिए साइन फाई, डायग्राम को आप अच्छे से देखिए, इसमें साइन फाई, तो लंब बट्टे में आधार, लंब यहां पर हो जाएगा हमारे पास में ये डी, डी हो गया आधार हमारे पास में। देखेंगे फाई के सामने वाली भुजा डी जो कि लंब होगी, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आर जो कि कर्ण होगी। तो यहां से d बराबर हमारे पास में आ गया है r साइन फाई। क्लियर? देन यहां पर हम इससे d की वैल्यू पुट कर देंगे। d की वैल्यू यहां पर हम पुट करेंगे इस जगह पर, तो हमें मिल चुका है l बराबर p r साइन फाई। क्लियर? इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो l बराबर आ गया हमारे पास में L बराबर आ चुका है हमारे पास में आर पी साइन फाई। देन इसे हम सदिश के रूप में, एक तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, एक इसको सदिश के रूप में लिखेंगे तो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर देखें कि ये जो कोणीय संवेग है वो एक अक्षीय सदिश है, मतलब इसकी घूर्णन अक्ष के अनुदिश से इसकी डायरेक्शन होगी। तो देखिए, इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे,
मैक्सवेल का पेंच नियम या दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का प्रयोग करेंगे। इसकी सहायता से हम इसकी डायरेक्शन ज्ञात कर लेंगे। पहले सदिश से दूसरे सदिश की ओर अंगुलियों को रखेंगे। पहला सदिश आर है, दूसरा सदिश पी है, तो जो अंगूठा होगा वो एल की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसके साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि जो एल है इसकी डायरेक्शन आर और पी दोनों के लंबवत होती है, घुणनतल के लंबवत, या हम कह सकते हैं दोनों ही आर और पी दोनों के ही लंबवत होती है। क्लियर? अब देखिए इसका फॉर्मूला आप ध्यान रखें, हमारे पास में फॉर्मूला आ चुका है। इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम कोणीय संवेग का मात्रक ज्ञात कर लेते हैं। तो कोणीय संवेग का मात्रक वही होगा जो आर पी साइन फाई का मात्रक होगा, जो फॉर्मूला है उसी का मात्रक के अकॉर्डिंग। तो आर यहाँ पर दूरी जिसका मात्रक हो गया मीटर, पी संवेग, और संवेग होता है, देखिए संवेग जिसे हम पी से पुट करते हैं, पी बराबर होता है एम इंटू वी, तो इसके अकॉर्डिंग इसका मात्रक, एम का जो मात्रक होता है वो हो गया किलोग्राम, वी यहाँ पर वेग जिसका मात्रक हो गया है मीटर प्रति सेकेंड, देन इसका मात्रक क्या आ जाएगा हमारे पास में किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। फाइनली जो इसका मात्रक है वो हमारे पास में ये आ गया है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। फिर हम बात करते हैं इसकी विमा की, तो इसका मात्रक आप देख लीजिए अच्छे से, ये इसका मात्रक है और इसके मात्रक के अकॉर्डिंग इसकी विमा हो जाएगी एम वन एल टू टी माइनस टू। तो ये इसकी विमा मात्रक आप अच्छे से ध्यान में रखें विद्यार्थियों। ये इसमें अभी तक जो हमने पढ़ा है उनमें से जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको एक तो ये वाला पार्ट ध्यान में रखना है, ये यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट रह गया है ये वाला हिस्सा। इसके साथ में इसका मात्रक आप ध्यान रखें, विमा ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आर वेक्टर बराबर हम जानते हैं एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। इसी तरीके से पी वेक्टर बराबर हम जानते हैं पी एक्स आई के प्लस पी वाई जे के प्लस पी जेड के। देन यहाँ से एल की वैल्यू यदि हम ज्ञात करें आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए हम मेथड अपना रहे हैं, ये है आई केप जे केप के केप, और आर आई केप जे केप और के केप आर के जो अंदर, इसमें आप देखें कि आर में ये वाला आर है पूरा का पूरा, तो इसमें आर के अंदर जो आई केप जे केप और के केप के गुणांक है उनको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। उसी तरीके से जो पी के गुणांक है पी के अंदर आई केप जे केप और के गुणांकों को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो यहाँ से आप देखें एल वेक्टर बराबर, यहाँ से देखिए कैसे निकालते हैं, पहले ये आई केप लिखेंगे, देख लीजिए विद्यार्थियों आई केप, फिर यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो वाई, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय इसका आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाकर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जेड इंटू में पी वाई। क्लियर? फिर माइनस में जे केप हो गया, फिर हम यहां से चलिए जो राशियां है जो हमारे काम के नहीं है उनको मैं एक बार हटा देता हूँ, दोबारा गुणा करना देखें, कलर भी मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। चलिए यहां से आप देखें माइनस में जे केप लगाएंगे, फिर आप इस वाले पार्ट को इससे गुणा कर लेंगे, इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आ गया, ब्रैकेट में अक्स पी जेड माइनस में जेड पी एक्स, फिर प्लस में के, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो अक्स पी वाई माइनस इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे वाई वाई पी एक्स। तो ये हमारे पास में इसका जो फाइनल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ये आपको किस किस तरीके से आता है ये आपको आना चाहिए,
ये वाला पार्ट आपको आना ही चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब हम करते हैं तो इसमें ये महत्वपूर्ण रहेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो देखिए कि जब फाई की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री हो, तब एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी। एल बराबर होता है आर पी साइन फाई, आर पी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू हो गई है एक, तो आर पी रह गया। और पी हमारे पास में क्या होता है, एम वी देन है, यहाँ से एल की जो वैल्यू है वो एम वी आर आ गई है, जो कि मैक्सिमम होती है। क्लियर? और जब फाई की वैल्यू 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तो साइन फाई की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, तत्पश्चात एल का जो मान है वो 0 आएगा, न्यूनतम आएगा। क्लियर? अब आप यहां पर देखें, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम लेकर चल रहे हैं। सर्कुलर मोशन की बात करें तो सर्कुलर मोशन के अंदर एल का मान कितना हो जाएगा, वैसे एल का फॉर्मूला हमारे पास में है आर क्रॉस पी, इस पी को हम एम इंटू वी लिख सकते हैं, तो एम आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर हो जाएगा, इसे हम एम वी आर साइन फाइव भी पुट कर सकते हैं। वर्ती गति में, वर्ती गति के अंदर आर वेक्टर और वी वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। देखिए इसे समझें आप, ये जैसे हमारे पास में कोई सर्किल है और इस वर्ती गति के अंदर ये इसका सेंटर है, और यहाँ से ये इसके सेंटर से ये हमने दिखा दिया है। इसमें आप देखें कि आर ये वाली डिस्टेंस होती है इसके केंद्र से परिधि के बीच के, और वी जो पार्टिकल है उसका वेग इस तरीके से होता है, दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये हमने यहाँ पर ऐसे ही दिखाया है कि ये यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री है, आर और वी दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर फाई का मान आ गया हमारे पास में 90 डिग्री, और जब हम इस फाई का मान 90 डिग्री यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, तो साइन 90 का मान हो जाएगा एक, और साइन 90 का मान एक हो गया तो हमारे पास में एल का जो मान है वो कितना आ गया है, एल का मान आ चुका है एम वी आर। क्लियर? अब देखिए वी बराबर हम जानते हैं ओमेगा आर, ये जानते हैं, तो इस वी की जगह हम ओमेगा आर पुट कर देंगे, तो एम आर स्क्वेयर ओमेगा हमारे पास में आ जाएगा। अब देखिए एक और चीज जानते हैं हम, आई बराबर एम आर स्क्वेयर, देन एल का फॉर्मूला हमारे पास में आई इंटू ओमेगा भी आ जाएगा, क्योंकि इस एम इंटू आर स्क्वेयर के स्थान पर हम क्या पुट कर देंगे, आई पुट कर देंगे। क्लियर? इसको हम यदि सदिश के रूप में पुट करें तो एल वेक्टर बराबर आई इंटू ओमेगा वेक्टर पुट कर सकते हैं। क्लियर? तो देखिए विद्यार्थी, यहाँ से भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने आई है, कुछ फॉर्मूले नए हमारे सामने आए हैं, इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। क्लियर? तो देखिए यहाँ से एक जो फॉर्मूला है हमारे पास में, एक फॉर्मूला तो हमारे पास में ये वाला है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखें, इस फॉर्म में भी ध्यान रखें, इस फॉर्म में भी ध्यान रखें। ये जो भी फॉर्मूले हैं इनको आप एकदम क्लियर कर लीजिए, दिमाग में फिट पिटा लीजिए, इन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे, तो इनको आपको क्लियर करके रखना है, दिमाग में फिट करके रखना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, एल वेक्टर बराबर आई इंटू ओमेगा वेक्टर, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास में आ चुका है, इस फॉर्मूले का ही हम यहां पर प्रयोग करेंगे। तो देखिए डी एल बाई डी टी, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें, इसे हम क्या कर दें विद्यार्थियों, इस वाले फॉर्मूले को यदि हम डिफ्रेंशिएट कर दें, अवकलन कर दें टी के रेस्पेक्ट, तो एल की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम आई इंटू ओमेगा पुट कर देंगे, आई इससे डिफ्रेंशिएशन से हम बाहर पुट कर देंगे, ओमेगा अंदर आ गया, डी ओमेगा अपॉन डी टी, डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या होता है, अल्फा कोणीय त्वरण। देखिए इस फॉर्मूले को देख लीजिए, अल्फा बराबर होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ये फॉर्मूला हमारे पास में आ चुका है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, देन आई इंटू अल्फा ये क्या होता है, टो होता है। तो देखिए यहाँ कुछ फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, ये वाला जो ब्रैकेट है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप क्लियर कर लीजिए।
ये भी काफी महत्वपूर्ण ब्रैकेट है, इसमें काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूले छुपे हुए हैं। तो टोका फॉर्मूला हो गया डी एल अपॉन डी टी, टोका फॉर्मूला हो गया आई इंटू अल्फा, टोका एक फॉर्मूला होगा आई डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो कोणीय संवेग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सारी सब कुछ चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ से इस ब्रैकेट से देखिए क्या निष्कर्ष निकल रहा है, वो देख लीजिए। ब्रैकेट से निष्कर्ष निकल रहा है कि किसी कण के कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर कण पर लगने वाले बल के तुल्य होती है। देखिए ये जो है बल युग बल आघूर्ण के तुल्य होती है, ऐसे आना चाहिए, इसमें त्रुटि सुधार करें। यहाँ पर ये जो बल है इसके आगे एक वर्ड और आएगा, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण के तुल्य होती है, क्लियर। फिर आगे देखें, एन कणों वाले निकाय का कुल कोणीय संवेग सभी कणों के कोणीय संवेगों के सदिश योग के तुल्य होता है। इसे हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है। लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं में अब देखें, निल्स बोर का जो परमाणु मॉडल है वो हमें क्या कहता है कि परमाणु की एनवी कक्षा में चक्कर लगाने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसका कोणीय संवेग देखिए कितना होता है। उसका कोणीय संवेग एल बराबर होता है एन एच अपॉन 2 पाई, ये होता है विद्यार्थियों, ये यहां पर होगा। चलिए इसे आप अच्छे से ध्यान में रखें, दिमाग में इसको फिट बैठा लीजिए, काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्लियर। जहां जो एन है वो है मुख्य क्वांटम संख्या, इसे हम कक्षा की संख्या भी कह सकते हैं। एच यहाँ पर प्लांक नियतांक होता है 6.62, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, एच की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.62 × 10^-34 जूल इंटू सेकेंड, क्लियर। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो देखिए कि यदि अधिक परिमाण का बल आघूर्ण किसी कण पर अल्प समय अंतराल के लिए आरोपित होता है तो उसे कोणीय आवेग कहा जाता है। देखिए हम रेखीय आवेग का क्या जानते हैं कि यदि अधिक परिमाण का बल अल्प समय के लिए लगता है तो उसे हम कोणीय सॉरी केवल आवेग कहते हैं, और अधिक परिमाण का बल आघूर्ण, अधिक परिमाण का बल आघूर्ण यदि अल्प समय के लिए लगता है तो उसे हम कोणीय आवेग कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, कोणीय आवेग कहा जाता है। तो कोणीय आवेग का हमारे पास में देखिए फॉर्मूला क्या आ चुका है, कोणीय आवेग बराबर आ चुका है कोणीय संवेग में परिवर्तन, कोणीय संवेग में परिवर्तन आ चुका है। अब इस वीडियो का एक और महत्वपूर्ण पार्ट, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। देखिए हमने एक फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा है, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देखें, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला एक बार देख लीजिए अच्छे से गौर करके, ये हमने फॉर्मूला देख लिया। देखिए कि यदि स्टोक को हम 0 कर दें, स्टोक को हम कितना कर दें 0, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए विद्यार्थी हमें क्या मिलने वाला है। चलिए यहां से इन सबको मैं एक बार हटा देता हूं, एक बार देखिए, देखिए हम क्या जानते हैं, टो वेक्टर बराबर हम जानते हैं डीएल वेक्टर बाई डीटी, और यदि टो बराबर 0 होता है, टो बराबर कितना होता है 0 होता है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हमारे पास में आ गया है डीएल बाई डीटी, डीएल बाई डीटी बराबर 0, और ये 0 कब होगा, जब एल यहां पर नियत होगा, एल यहां पर कांस्टेंट होगा। तो ये वाली जो बातें हैं इसी से ही कोणीय संवेग संरक्षण का नियम हमारे पास में बाहर निकलेगा, क्लियर। तो देखिए घूर्णन गति के अंदर क्या होता है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अकॉर्डिंग यदि कण पर आरोपित कुल बाह्य बल आघूर्ण 0 होता है तो कोणीय संवेग नियत रहेगा। तो देखो डीएल बाई डीटी 0 अर्थात एल नियत रहेगा, मतलब टो बराबर जब 0 होता है तो एल नियत रहेगा,
एल वन वैक्टर प्लस एल टू वैक्टर प्लस एल थ्री वैक्टर डॉट 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 एल एन वैक्टर बराबर नियत रहेगा। अब कोणीय संवेग संरक्षण नियम के अकॉर्डिंग बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। निकाय का कोणीय संवेग क्या रहेगा? यही है कोणीय संवेग संरक्षण नियम। एक बार देखिए इसे फिर से समझ लीजिए कि यदि टो बराबर जीरो तो आई इंटू ओमेगा या एल ये नियत रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो यहां पर एक बार देखें समझें कि जब टो जीरो तो एल नियत रहेगा, टो जीरो होगा तो एल क्या रहेगा? नियत। एल नियत रहने का मतलब है कि आई इंटू ओमेगा नियत, और आई इंटू ओमेगा जब नियत रहता है, आई इंटू ओमेगा जब नियत रहता है, इसका मतलब क्या हो गया कि आई और ओमेगा दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में इसको फिट बैठा लीजिए। तो देखिए जब आई घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्लियर। अब हम यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स लेकर चलेंगे। सारे के सारे एग्जाम्पल्स कोणीय संवेग संरक्षण नियम पर आधारित हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए कि सूर्य के चारों ओर देखिए जो भी घूर्णन गति होती है उस घूर्णन गति में हमेशा कोणीय संवेग संरक्षण नियम लागू होगा, 100% लागू होगा। तो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते समय यदि ग्रह सूर्य के पास से गुजरता है तो उसके परिक्रमण का कोणीय वेग बढ़ जाता है, क्योंकि इस स्थिति में जड़त्व आघूर्ण घट जाता है, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण हम क्या जानते हैं? आई बराबर एम इंटू आर स्क्वेयर। तो जब आर कम होगा, जब आर क्या होगा, जैसे इस तरीके से घूर्णन गति हो रही है, आर यहां पर कम, ये सूर्य है और यहां से कोई ग्रह कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है इसके चारों ओर। क्लियर। तो जब कोई ग्रह चक्कर लगाता है तो सूर्य के नजदीक और दूर जाता है, तो नजदीक आएगा तो उसका, जब सूर्य के पास से गुजरेगा, नजदीक से गुजरेगा, यदि ग्रह सूर्य के पास से गुजरता है, नजदीक से गुजरता है, तो कोणीय वेग बढ़ जाएगा। कोणीय वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जिससे जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा? घट जाएगा। हमने यहां पर देखा कि आई और ओमेगा दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती रहेंगे। तो आर जब कम होगा तो आई कम हो गया, आई जब कम होगा तो ओमेगा कोणीय वेग बढ़ जाएगा, जड़त्व आघूर्ण घट जाएगा। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल देखें, सर्कस का कलाकार कलाबाजी दिखाते समय अपनी भुजाओं और पैरों को सिकोड़ लेता है। ऐसा करने से उसके पीछे क्या होता है? क्यों? जैसे ही सिकोड़ लेगा तो जड़त्वाघूर्ण घट जाएगा, जड़त्वाघूर्ण बढ़ेगा तो उसका कोणीय वेग बढ़ जाएगा, वो ज्यादा कलाबाजियां दिखा पाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि एक व्यक्ति अपने हाथों में भारी वस्तु को लिए हुए घूर्णन करते हुए किसी मंच पर खड़ा है, यदि वह अचानक अपनी भुजाओं को मोड़ता है तो उसका जड़त्व आघूर्ण घटता है, इससे कोणीय वेग बढ़ जाता है। जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इससे उसका कोणीय वेग क्या हो जाएगा? क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, आई और ओमेगा दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। इस वजह से जब आई कम होगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, और आई जब ज्यादा होगा तो ओमेगा घट जाएगा, ऐसा ही होता है। ठीक है। अगला जो एग्जाम्पल है कि एक गोता के खोर ऊंचे डाइविंग बोर्ड से कूदते समय अपने शरीर को मोड़ लेता है और भुजाओं को समेट लेता है, ऐसा करने से जड़त्व आघूर्ण घटता है और वह हवा में ज्यादा कलाबाजी कर सकता है, परंतु जैसे ही वो पानी के अंदर प्रवेश करता है अपने हाथों को फैला लेता है, अपने शरीर को फैला लेता है, जिससे क्या होगा? जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाएगा। तत्पश्चात क्या हो जाएगा? जड़त्व आघूर्ण बढ़ेगा और कोणीय वेग कम हो जाएगा। क्लियर। अब देखें, ये भी एक काफी महत्वपूर्ण पार्ट है कि पृथ्वी की त्रिज्या परिवर्तन से आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ता है।
कि हम पृथ्वी के कोणीय संवेग की बात करें तो एल बराबर होता है आई ओमेगा, और ये हम जानते हैं कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से ये कांस्टेंट होता है। अब देखें कि पृथ्वी के लिए जड़त्व आघूर्ण ये होता है। विद्यार्थियों, जड़त्व आघूर्ण हम आपको बताएंगे अगले टॉपिक में। तो जड़त्व आघूर्ण आपको ध्यान रखना है, गोले का, ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण 2/5 mr² होता है। जहाँ ये जो m है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है। m क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान। r है वो पृथ्वी की त्रिज्या है। r क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। देन जो जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला है वो हमारे पास में है 2/5 mr². ओमेगा बराबर हम क्या जानते हैं? 2π/T, 2π/T। देन हमें क्या मिल जाएगा? आई की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 2/5 mr², ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 2π/T, और ये हम जानते हैं कि कांस्टेंट होता है। यदि एम नियत रहता है, मतलब ये जो ये वाली जो वैल्यू है सारी की सारी ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया कि टी है वो r² के समानुपाती हो गया। टी है वो किसके समानुपाती हो गया? टी यहाँ पर पूरा एक चक्कर लगाने में लगा समय है, जिसको हम कह रहे हैं आवर्तकाल। आर है पृथ्वी की त्रिज्या। अब देखो कि यदि ये तो बात आ गई यहां तक, पृथ्वी की त्रिज्या अचानक हम क्या कर दें, त्रिज्या आधी कर दी जाए, द्रव्यमान चेंज नहीं करें, तो आवर्तकाल 1/4 रह जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी इसको हम देखेंगे, साथ में ये काफी सारी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पहले से भी पूछा जा चुका है। हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है कि आई इंटू ओमेगा ये वाला जो पार्ट है वो हमने यहाँ पर एकदम क्लियर कर लिया है कि एल बराबर होता है आई इंटू ओमेगा, और यहाँ से हमारे पास में ये एक फॉर्मूला निकलता है। इसको यदि आप क्लियर करोगे तो हमारे पास में एक रिलेशन आ जाएगा, टी है वो r² के समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा? r² के। ठीक है, तो देखिए टी r² के समानुपाती है, और पृथ्वी की त्रिज्या यदि हम r से r' कर दें तो नया जो आवर्तकाल है वो t' हो जाएगा, और यदि हम इनको डिवाइड करें तो t' अपॉन t ये बराबर हो जाएगा r' अपॉन r² के। तो यहां से r' जो है, r' हमने यहां पर r/2 के इक्वल लिया है। किसके इक्वल लिया है? r/2 के। तो r/2 का स्क्वायर इंटू में 1/r², r² से r² कैंसिल हो गया, यहां पर 4 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 4। तो t' इक्वल टू आ गया t/4। टी पृथ्वी का घूर्णन अक्ष पर, अपनी स्वयं की अक्ष पर पूरा एक चक्कर लगाने में लगा समय 24 घंटे। तो यहाँ से 6 घंटे इसके आंसर बाहर निकलते हैं, तो इसका जो आंसर है वो ये वाला होगा। क्लियर? तो आप इसी तरीके से, जैसे मान लो पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ पर तो हम आधी कर रहे हैं, दुगुनी भी कर सकते हैं और कोई गुणा भी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर निकालना है। तो विद्यार्थी, ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने कोणीय संवेग संरक्षण के बारे में पढ़ा, समझा, जाना। अब विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। विद्यार्थियों, बने रहिए हमारे साथ में, अगला जो वीडियो होगा उसमें हम कोणीय संवेग और इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।